रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर है न्यूमेरिकल 10.3, फिजिक्स क्लास 9th। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन दी अर्थ वेयर जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्केल। तो डेटा इस तरह है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ये गिवन है 1 मीटर, और इसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन अर्थ जिसकी वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी एम यानी ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन मून वो है 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन दी अर्थ यानी जी ई ओवर 6। वैल्यू पुट कर लें 10/6, तो इस तरह जी एम की वैल्यू आ रही है 1.67 मीटर पर सेकंड स्केल, और हमने फाइंड करनी है टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून, ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला है 2π स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब टाइम पीरियड ऑन अर्थ के लिए फार्मूला बन जाएगा TE=2π स्क्वायर रूट एल ओवर जी ई, यानी ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन अर्थ। वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 × π की वैल्यू है 3.14 स्क्वायर रूट 1/10। तो ये टाइम पीरियड ऑन अर्थ की वैल्यू बन जाती है 1.9859 सेकेंड, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद हम इसको 2 सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड आई है, तो वो पेंडुलम जिसके टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड हो उसको कहते हैं सेकेंड पेंडुलम। तो अब टाइम पीरियड ऑन मून इक्वल्स टू है 2π√L/gm, वैल्यूज पुट कर लें 2 × 3.14 स्क्वायर रूट 1/1.67। कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 4.8596 सेकेंड्स, जिसको राउंडेड फॉर्म में लिखा जा सकता है 4.9 सेकेंड। तो इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल अब कंप्लीट हो चुका है। खुदा हाफिज़।